बांग्लादेश को लेकर विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रांत गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बांग्लादेश की घटना पर कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे भारत में शरण लेकर बैठी हैं, वहां हिंदुओं का नरसंहार और बलात्कार हो रहा है, साथ ही मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। परिषद ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की। बांग्लादेश भारत का अंग रहा है, पहले वहां 33% हिंदू थे, अब 8% रह गए हैं, लेकिन वहां पर हिंदुओं की स्थिति को लेकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां इतनी बड़ी घटना हो गई, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, घरों को लूटा जा रहा है और मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। इधर विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रांत ने पत्रकार वार्ता कर बांग्लादेश की घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है और कहा अभी वह संगठन कहाँ है जो मोमबत्ती लेकर निकले थे। हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। विश्व हिंदू परिषद हर स्तर पर मदद के लिए तैयार है। बांग्लादेश में जो घट रहा है वहाँ पर चुनी हुई सरकार अब सत्ता में नहीं है और वहाँ से जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थी वो वहाँ से अभी भारत में शरण लेकर बैठी हैं और किसी अन्य देश ने उनको शरण नहीं दी। बांग्लादेश क्योंकि भारत का ही अंग रहा है और जब बांग्लादेश बना तब लगभग 38% हिंदू वहाँ थे, जो धीरे धीरे कम होकर 8% रह गए और जो 8% रह गए वो आज जिस स्थिति में है उसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उनके साथ घट रहा है उसके साथ ये ध्यान में आता है कि जितने भी संगठन जब कोई किसी अन्य समाज के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो त्वरित मोमबत्ती लेकर दिए जलाकर या प्रदर्शन कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतने हिंदुओं का वहाँ पर नरसंहार, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू परिवारों को लूटना, उनकी अस्मिता लूटना, ये सब होने के बाद ये ऐसे मानवाधिकार वाले जो संगठन है वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर हिंदुओं को निशाना न बनाया जा रहा हो। विश्व हिंदू समुदाय की भी जिम्मेदारी है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे। इस परिस्थिति में सीमाओं को सील किया गया है लेकिन घुसपैठ की कोशिश जारी है। सेना भी मुस्तैद है और विश्व हिंदू परिषद भी तैयार है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक, इस बात को पूरी दुनिया को समझना चाहिए।